एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इससे पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। ये वाला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज के वीडियो की हम बात करते हैं। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा इक्विलिब्रियम इनकम हम कैसे डिटरमिन करते हैं। और दो अप्रोचेस जो मैंने बताई थी, लाइक आपका जो पिछला वाला वीडियो है ना, वो आपको पता होना चाहिए। उस वीडियो में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे हम दोनों अप्रोचेज यूज़ करके हम अपना इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमिन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इनकम कह लो, आउटपुट कह लो या GDP कह लो, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ, पर वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपको अच्छे से नहीं पता है। तो हमने पढ़ी थी, दो अप्रोचेस थी, एक थी ADAS अप्रोच और एक थी SI अप्रोच, ठीक है। ADAS अप्रोच जो होती है उसमें हम AD का जो कर्व होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इन दोनों की हेल्प से हम अपनी इनकम को डिटरमिन करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये होती है एग्रीगेट सप्लाई, ये आप लोगों को पता है। और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सबसे पहले तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है। इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है। और आपका जो कंजम्पशन है वो ऐसा जाता है। अब ये कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है। हमने पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सी और आई। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व आ जाएगा। तो हम इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं, ये तो देखो कंजम्पशन है, इतना हिस्सा और जोड़ दो इसके ऊपर, ऐसे 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 जाएगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व भी इसी के ऊपर ऐसे ही शेप में आएगा, पैरेलल ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये कंजम्पशन को रब कर देते हैं और ये एक इन्वेस्टमेंट को भी रब कर देते हैं। इन दोनों की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया और एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया। अब जहाँ पर AD और AS दोनों टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। और इस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं हमारी इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम इनकम O, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं J। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम इनकम हो गई O J, और ये हम पॉइंट ये वाली एक्सिस पे हम AD और AS लिख रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर टकरा रहा है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, OJ क्या हो गई, हमारी इक्विलिब्रियम इनकम हो गई। हमें समझ आ गया ये ADAS अप्रोच है। SI अप्रोच में क्या होता है, सिर्फ S और I का कर्व बनाना है। ADAS में AD और AS का कर्व, SI में मतलब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाना है। इन्वेस्टमेंट मैंने जस्ट अभी बताया कि भाई ऐसे ही रहता है, सेविंग्स क्या होती है, नेगेटिव में भी चली जाती है, तो हम थोड़ा नीचे तक भी लेके चलते हैं। इस तरीके से आपका सेविंग का कर्व बनता है। अब S और I जहाँ पर टकरा रहे हैं, यहाँ पर हमारी डिटरमिन हो जाएगी इक्विलिब्रियम इनकम। तो ये दोनों अप्रोचेज आपको पता होनी चाहिए। पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसमें क्या है, आपको दोनों अप्रोचेस पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इनकम डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, कैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हेल्प करते हैं। ये सारी जानकारी आपको मिल गई। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नाम से समझ आ रहा है हमें क्या करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या करता है, ये एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इन्वेस्टमेंट से इनकम को मल्टीप्लाई करता है। मतलब अगर हमने कुछ 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो जो हमारी इनकम है ऑब्वियसली बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं है हमारी इनकम सिर्फ 5 रुपये ही बढ़ेगी, नहीं, हमारी इनकम कहीं ज़्यादा बढ़ेगी, 5 रुपये से कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी। तो जो मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम बढ़ रही है, वो जो एक गुना है, मतलब एक डिजिट है कि इतना बढ़ रही है। मान लो 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और हमारी इनकम बढ़ गई 15 रुपये से, तो कितने गुना ज़्यादा बढ़ी, कितने गुना ज़्यादा बढ़ी, 3 गुना ज़्यादा बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 5 बढ़ा, इनकम पर 15 बढ़ गई, यानी कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो 3 गुना है, ये जो 3 है, यही हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है। ये हमको बताता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। और वो एज इट इज़ ऐसे नहीं 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया 5 रुपये की इनकम बढ़ गई, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। अब आप सोचोगे कि ऐसा होता है असली में, इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बढ़ती है क्या? तो देखो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, उसी के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने ऐसे डायग्राम पढ़ा था अभी जस्ट मैंने जो भी बनाया था ADAS अप्रोच वाला, उसमें क्या था, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व था। और हमारा जो AD कर्व था वो कैसे जा रहा था, वो ऐसे जा रहा था, ऐसे ही तो जा रहा था। इसे थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं,
ये हो गया ए एस और ये हो गया ए डी। अब ए डी किससे मिलके बना होता है भाई? ए डी की जगह हम लिख सकते हैं सी प्लस आई। ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों से मिलके बना होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करें। जब हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसे पैरेलल होता है और कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट नंबर से ही इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड भी तो बढ़ेगी। जैसे कि सी प्लस आई है यहाँ पर, ये है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब अगर कंजम्पशन है 5 और इन्वेस्टमेंट है 3, तो एग्रीगेट डिमांड हो गया 8। अब मान लो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, यानी कि 5 की जगह कर दिया 10, ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड भी तो बढ़ेगी। 5 और 10 कितना, 15, ये भी बढ़ गई, समझ रहा है। तो जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व है, जैसे हमने सी प्लस आई लिख दिया है, वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कहाँ जाएगा, ऐसे इस जगह पर चला जाएगा, यानी कि सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये सी प्लस आई तो ऑलरेडी था, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3 तो है सी प्लस आई प्लस एक्स्ट्रा, और हमने कितना बढ़ाया, हमने 3 से 10 कर दिया था, तो इंक्रीमेंट कितने का किया, पहले 3 थी अब 10 थी, यानी कि 7 का इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अभी जो 7 है यही डेल्टा आई है। डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफरेंस या फिर चेंज। तो कितने का चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट में, 7 का चेंज हुआ है। तो क्या हुआ, इससे अपने एग्रीगेट डिमांड में भी चेंज हो जाएगा, समझ आया, उतना ही चेंज होगा। तो उतना ही देखो एग्रीगेट डिमांड में चेंज हो गया, यानी कि अब हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब पहले क्या था, जब एग्रीगेट डिमांड यहां पर था ये वाला, तो हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी थी, हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी थी, इतनी थी, यानी कि ओ वाई, राइट। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, हमारा इन्वेस्टमेंट है इतना, हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है इतना ओ आई, ठीक है, ये वाला पॉइंट है आई। अब क्या हो रहा है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया, पहले दोनों यहाँ कट कर रहे थे, अब दोनों यहाँ कट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा इक्विलिब्रियम इनकम यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ओ वाई डैश, ठीक है, ओ वाई डैश। और इन्वेस्टमेंट कितना आया, इन्वेस्टमेंट आपका आ गया कुछ यहाँ ओ आई डैश, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। अब अगर आप थोड़ा सा, वैसे तो ये देखो टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, मतलब मैंने स्केल के थ्रू नहीं बनाया है, पर अगर आप जब स्केल के थ्रू बनाने की कोशिश करोगे तो आप ये देखोगे कि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है उससे थोड़ी ज़्यादा बढ़कर आई है हमारे पास इनकम। ये मैंने स्केल से नहीं बनाया, इसीलिए आपको शायद ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली, तो पर आप देखोगे अगर स्केल से बना करके एकदम सिस्टमेटिकली बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट जितना हमने बढ़ाया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, पर उससे ज़्यादा बढ़ी हमारी इनकम यहाँ से यहाँ आ गई। तो यानी कि हमें समझ आता है इन्वेस्टमेंट हम जितना बढ़ाते हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ती है हमारी इनकम, समझ आ रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी इनकम। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, अब हम मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भाई होता क्या है, तो देखो डेफिनेशन आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन पर, पढ़ने की कोशिश करो समझ आ जाएगी, इजी सी डेफिनेशन है। क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन इनकम, जो इनकम में इंक्रीज है, एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मैंने जस्ट अभी जो एग्जांपल दिया था बेसिक सा, इन्वेस्टमेंट 5 रुपये से बढ़ा, इनकम बढ़ी है 15 रुपये से, तो ये जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ और ये जो इनकम में इंक्रीज हुआ, ठीक है, बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो इंक्रीज इन इनकम है डेल्टा वाई है, ये कितने गुना ज़्यादा है डेल्टा आई से, कितने गुना ज़्यादा है, हमको पता है भाई 5 × 3 = 15 होता है, तो यानी कि 3 गुना ज़्यादा है। तो ये जो नंबर है, ठीक है, यानी कि रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, यही होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है, ये बताता है रेशियो ऑफ डेल्टा वाई टू डेल्टा आई। डेल्टा वाई डेल्टा आई का मतलब क्या है, चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ भी तो हमने यही किया 15/5, यानी कि चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is equal to change in income to the change in investment, ठीक है, इन दोनों का रेशियो कहलाता है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और अगर हम इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ के से, ये याद रखना है, कैपिटल के यूज करना है और कोई अल्फाबेट कोई लेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो के से रिप्रेजेंट करेंगे, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है आउटपुट मल्टीप्लायर, क्योंकि ये आउटपुट को ही तो मल्टीप्लाई कर रहा है। आउटपुट मतलब
हमारी इनकम इनकम को ही तो कई गुना बढ़ा रहे, तो ये आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहलाता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कह लो, आउटपुट मल्टीप्लायर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये समझ आ गया, ये फॉर्मूला वगैरह समझ आ गया, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास जैसे कि जो ये के होता है, के का ना रिलेशन होता है एमपीसी से और एमपीएस से। एमपीसी और एमपीएस भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले वाले चैप्टर में, सेवेंथ चैप्टर में मैंने बताया था। एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से नहीं एक्चुअली, हाँ एमपीसी होता है वो सिर्फ। और एमपीएस क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो के का एमपीसी से क्या रिलेशन होता है? 1/1 - MPC। ये फॉर्मूला है जो आपने याद रखने हैं, के इज इक्वल टू 1/1 - MPC। और यहीं से बन जाता है एक और फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 1/MPS। अब ये दोनों फॉर्मूलाज कैसे आए हैं ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि 1/1 - MPC क्यों कहलाता है। देखो हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। अब हमको पता है कि जो y होता है वो किसके बराबर होता है? C+I के, हमने पढ़ा है ना। अब y इक्वल टू C+I है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C+ डेल्टा I, ऐसे लिख सकते हैं। तीनों में हमने चेंजेस कर दिए, यानी कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्या होगा, यहाँ पे हम डेल्टा आई की वैल्यू निकालेंगे। ये प्रोसीजर याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये डेरिवेशन, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ, ये वाला फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ। तो कहाँ से डराइव हो रहे हैं? यहाँ से डराइव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये तो पता है। अब हमने क्या किया, हमको डेल्टा आई की जगह ना कोई और वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी। तो वाई इज इक्वल टू C+I, फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा C+ डेल्टा I। यहाँ से हम डेल्टा आई की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, ये इधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है, इसे हम इधर पुट कर देंगे डेल्टा आई की जगह, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? क्या किया अब हमने, k इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा आप संभल के चलना या फिर थोड़ा ध्यान से करके देखना, खुद से लिख करके। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूमरेटर है और ये जो हमारे डिनोमिनेटर है, दोनों को ही डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि इसको न्यूमरेटर को हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा वाई से। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, यानी कि डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि दोनों जगह हमने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो तो वन हो जाएगा, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल, तो यानी कि यहाँ पे तो आ गया के इज इक्वल्स टू 1। नीचे क्या आया, नीचे हम क्या करेंगे, इस डेल्टा वाई को हम इससे भी डिवाइड कर देंगे और इससे भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कुल मिला के ये जो डेल्टा वाई है इसको हमने दोनों के अपॉन में रख दिया अलग अलग ब्रेक करके। जब अलग अलग ब्रेक करके किया तो क्या हो गया, 1/1, ये तो 1 हो गया, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी का फॉर्मूला होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं MPC, और ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला 1/1 - MPC। अब हमको एक और चीज़ पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ये याद रखना। अब जब हमको पता है कि MPC और MPS को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो इससे हमारे पास MPS की वैल्यू आ जाएगी, MPC की वैल्यू आ जाएगी। MPC क्या हो गया, सॉरी MPC नहीं, MPS की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 - MPC। अब यहाँ पर ये जो 1 - MPC है, इसकी जगह हम MPS रख दें तो क्या एक और फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, K इज इक्वल्स टू 1/1 MPS। 1 - MPC की जगह MPS रख दिया डायरेक्ट यहाँ से उठा करके, तो एक ये वाला फॉर्मूला आ गया, यानी कि दोनों फॉर्मूलाज आपके यहाँ से डराइव हो गए। ये डेरिवेशन एक बार और देख लेना, मैं दोबारा से जल्दी से समझा देती हूँ। क्या है हमारे पास, ये दोनों फॉर्मूलाज थे, पहले तो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो कितने हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक जो बेसिक फॉर्मूला है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब क्या करना है, दूसरा फॉर्मूला है 1/1 - MPC, अब और दूसरा है 1/1 MPS, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर दोनों का डेरिवेशन करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमको पता है एज इट इज़ है। अब हमें क्या करना है, इस डेल्टा आई की जगह ना कुछ और वैल्यू रखनी है,
क्या वैल्यू रखनी है, कुछ भी रखनी है, डेल्टा आई की वैल्यू कहाँ से निकालें, ये हमको इक्वेशन पता है कि भाई एक इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, डेल्टा डेल्टा लगा दिया, डेल्टा लगाया तो डेल्टा आई आ गया, और डेल्टा आई की तो वैल्यू ही हमको चाहिए थी, तो डेल्टा आई की वैल्यू निकाल दी, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, यहाँ पर इसी फॉर्मुला में पुट कर दी, इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डेल्टा वाई से डिवाइड किया, ऊपर हो गया वन, यहाँ पर आ गया, और ये वो नीचे वाला जो है दोनों के मतलब ब्रेक करके लिख दिया, दोनों को जब ब्रेक करके लिखेंगे तो यहाँ भी वन हो गया, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी हो गया, और वन अपॉन वन माइनस एमपीसी आ गया। अब वन अपॉन जो वन माइनस एमपीसी है वो क्या होता है, एमपीएस होता है, तो वन अपॉन एमपीएस आ गया, ये आपका डेरिवेशन हो गया, समझ आया। तो तीनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, पहले तो फटाफट से सबका आई मीन स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसे मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ यहाँ पर, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये डेरिवेशन रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, ठीक। ये डेरिवेशन आप लोग खुद से ज़रूर करके देखना, नहीं तो नहीं समझ आएगा, ये चीज़ रटने की नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ऑब्वियसली मैथ लर्न नहीं कर सकते हो आप। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमको क्या बता रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन के एंड एम पी सी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एम पी सी बढ़ेगा तो के की वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे एम पी सी की वैल्यू अगर घट जाती है तो के की वैल्यू भी घट जाएगी। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमको क्या बताता है कि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कैसा है इनवर्स रिलेशन बिटवीन के एंड एम पी एस कैसे है। अब देखो हम इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे, हम बात करेंगे यहाँ पर, लेट अस सपोज आपकी एम पी सी की वैल्यू है 0.5, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी होता है कि नहीं, यानी कि 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 मतलब मैं जल्दी जल्दी यहीं पर रब करके लिखती जाऊँगी, एक में से आधा घटाया तो कितना बचा, आधा ही तो बचा, यानी कि 0.5 ही बचेगा, 0.5 बचा। अब 1 अपॉन 0.5 का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो लगाएंगे, यानी कि 10 अपॉन 5, यानी कि वैल्यू आ गई k की 2। जब एम पी सी की वैल्यू 0.5 है तो k की वैल्यू आई है 2। और मान लेते हैं अब हम क्या करेंगे, एम पी सी की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 0.8 कर देते हैं। अब 0.8 हमने जैसे ही किया तो क्या हुआ, k की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस 0.8। 1 माइनस 0.8 का मतलब क्या होता है, एक में से 0.8 घटाओ तो 0.2 बचेगा, तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 0.2। 0.2 मतलब यहाँ से पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 10 अपॉन 2 यानी कि 5। अब आप खुद देखो जब एम पी सी की वैल्यू कम थी, 0.5 थी, तो के की वैल्यू भी कम थी यानी कि 2। और जैसे ही एम पी सी की वैल्यू हमने 0.5 से 0.8 बढ़ा दी, बढ़ गई एम पी सी की वैल्यू, तो क्या हुआ, के की वैल्यू भी बढ़ गई, 2 से 5 बढ़ गई, तो यानी कि दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब बात आती है एम पी एस की, एम पी एस में क्या है, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो जैसे कि अब क्या है, एम पी एस की हम बात करते हैं, मान लो एम पी एस है 0.5, एम पी एस है 0.5 आपका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 1 अपॉन 0.5, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन 0.5 था तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ गई। और मान लेते हैं एम पी एस की वैल्यू थोड़ी कम है, 0.2 ही है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 0.2। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 1 माइनस करके नहीं लिखना, एम पी एस के केस में 1 अपॉन एम पी एस ही लिखना है, यहाँ पे 1 माइनस एम पी सी लिखना है, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट डायरेक्ट वही लिख रहे हैं, 1 अपॉन 0.2 मतलब यही वाली वैल्यू आ जाएगी, 10 अपॉन 2 यानी कि 5। और जैसे ही देखो एम पी एस 5 मतलब 0.5 था तो वैल्यू के की 2 थी, जैसे ही हमने एम पी एस घटाया तो k की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा, क्या वो घटी, नहीं, वो उल्टा बढ़ गई, 2 से 5 हो गई, ये तो कम हुआ पर ये बढ़ गया, यानी कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो ये समझ आया ना, ये जरूर याद रखना है, एम पी सी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दीज आर पॉजिटिवली या फिर डायरेक्टली रिलेटेड, यानी कि एन इंक्रीज इन एम पी सी विल लीड टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। एंड सिमिलरली के और एम पी एस में होता है इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि एम पी एस जैसे ही बढ़ेगा तो जो आपका के का वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू है, इट विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट वगैरह ये सारी चीज़ें फॉर्मूलाज, ये तीन फॉर्मूला जरूर रट्टा मार के रखना, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसी के बेसिस पे एक तो देखो हम कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इतने इजी होते हैं कि आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक मेरे पास न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमको गिवन है, हाँ,
एमपीसी की वैल्यू गिवन है, हमारे पास है एमपीसी की वैल्यू 0.75, राइट। और हमारे पास गिवन है इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम का मतलब क्या हुआ, ऐसी लैंग्वेज लिखी है इसका मतलब डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा वाई की वैल्यू गिवन है हमारे पास ₹600, हमको निकालना है डेल्टा आई और हमको निकालना है के यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू। अब हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि हम इसको या इस वैल्यू को यूज़ कर सकें। अब देखो अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखें, इस वाले फॉर्मूला में तो हमको ये निकालना है और ये भी निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है और एक ही वैल्यू है डेल्टा वाई की, तो काम नहीं बनेगा। पर हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास एमपीसी की वैल्यू है 0.75 तो हम क्या कर सकते हैं, इससे के की वैल्यू ज़रूर निकाल सकते हैं। मतलब एक वैल्यू गिवन है, एक निकालनी है, काम खत्म हो जाएगा। तो के की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे यानी कि 1/(1 - 0.75) यानी कि कितना हो गया 1/0.25, मतलब 100/25, इट मीन्स 4 वैल्यू आ गई के की। अब हमारे पास के की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है, डेल्टा वाई, यानी कि ये दो वैल्यूज हैं, हमें निकालना क्या है डेल्टा आई, तो भी हम निकाल लेंगे। के इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू है 4, जस्ट अभी हमने निकाली है। डेल्टा वाई क्या है हमारे पास 600, डेल्टा आई हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इधर जाएगा 600/4 यानी कि हमारा 150। इसका मतलब क्या समझ आता है कि यहाँ पे अब इसका मतलब समझो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ ₹150 का, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सिर्फ ₹150 से, पर इनकम ₹150 से नहीं बढ़ी है, इनकम कितने से बढ़ी है ₹600 से, मतलब कई गुना ज़्यादा। और कितने गुना ज़्यादा बढ़ी है ये हमें कैसे पता चलता है, के से। तो कितने गुना ज़्यादा बढ़ी है, 4 times, 15 × 4 = 60 होता है ना, तो 4 times बढ़ी है। समझ आया क्या प्रोसेस क्या है, पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस न्यूमेरिकल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके के बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं, किसी में आपको कोई वैल्यू गिवन होगी, आपको कोई निकालनी है, बस बेसिकली आपको ये तीन जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने हैं, इन तीनों फॉर्मूलाज के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, राइट। अब हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट खत्म। अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि एमपीसी बढ़ाने से, मतलब एमपीसी बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, इससे हमारा के की वैल्यू बढ़ेगी। पर ये होता कैसे है, ये प्रोसेस होता कैसे है, ऐसा क्या है कि भाई हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, ये सारा पूरा एक अलग प्रोसेस है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं हम हमारे आज के मेन टॉपिक पे। हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ लिया, सारी चीज़ें समझ ली कि भाई एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा। और इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर हम जैसे जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा और उसी तरह हमारी इनकम भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली। पर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, देखो शॉर्ट में पहले मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, फिर हम वही चीज़ इसके पूरी टेबल के थ्रू समझेंगे। पूरी टेबल बड़ी ही कॉम्प्लेक्स लग रही है दिखने में, राइट। इतनी इजी है, इतनी सुपर इजी, आपको हाल समझ आ जाएगा क्या है इसमें। देखो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट समझते हैं। फ्लो चार्ट हमारा क्या कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत में हमने थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे ही हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो मैंने जस्ट अभी क्या बताया, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है, इनकम बढ़ती है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी। अभी जो इनकम बढ़ी है हमारी, इनकम बढ़ने से क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर खर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ खर्चा पानी करेंगे कि नहीं। हमारी जो इनकम होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, या तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भी इनकम बढ़ती है उसे या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर हम सेव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट, ये जो हमारी इनकम बढ़ी है इसका थोड़ा सा पार्ट हम क्या करेंगे, या तो हम कंज्यूम करेंगे डेल्टा सी या फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, सॉरी सेव करेंगे, ठीक है, यानी कि डेल्टा एस। अब ये जो डेल्टा सी और डेल्टा एस है, ये तो हमारा सेव हो गया पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मान लो मैं ₹50 खर्च कर रही हूँ, तो मैं तो ₹50 खर्च कर रही हूँ, पर मैं जिसको ₹50 पे कर रही हूँ उसके लिए तो वो इनकम ही है। यानी कि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ना, वो कहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, वो ऐड हो जाता है इनकम में दोबारा से। अब क्या हुआ, इनकम थोड़ी और बढ़ गई। जैसे ही इनकम थोड़ी सी और बढ़ी, ऑब्वियसली थोड़ी सी और बढ़ी, तो क्या होगा, फिर से हम उसमें से थोड़ा सा पार्ट कंज्यूम करेंगे, थोड़ा सा पार्ट सेव करेंगे, सेव करा वो अलग, पर जितना कंज्यूम करा दोबारा से उसमें से फिर से हम क्या होगा, वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैंने जितना पहले ₹50 बढ़ी थी, अब ₹25 अगर बढ़ी है मेरी इनकम या फिर कंजम्पशन,
तो वो जो 25 रुपये हैं वापस से इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं किसी को 25 रुपये पे करूंगी, वो उसकी इनकम है, तो वो फिर इनकम में कन्वर्ट हो गए। फिर इनकम थोड़ी सी बढ़ी, फिर क्या हुआ, उसमें से कुछ सेव करेंगे, कुछ कंज्यूम करेंगे, फिर कंजम्पशन वाला जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब आपने देखा हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमने तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार किया। इन्वेस्टमेंट एक बार करने से क्या हो रहा है, इनकम बार 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 बढ़ती जा रही है, मल्टीपल टाइम्स बढ़ती जा रही है। और यही तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बताता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने से आपकी इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये इस तरीके से काम करता है। अब इसी चीज़ को देखो हम इस मतलब पूरे डायग्राम के थ्रू, मतलब जो आपका टेबल है उसके थ्रू देखते हैं। सबसे पहले ये जो राउंड्स हैं इन्हें समझ लो, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा आई, यानी कि ये चीज़ इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इनकम, यानी कि डेल्टा वाई। ये क्या है, कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि ये। और ये है डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन सेविंग्स। समझ आया। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट किया था शुरू शुरू में, फिर हमको कोई काम नहीं था, फिर तो हमको सिर्फ इससे काम रह गया था, इतने पार्ट से। बार बार इनकम में से कुछ बचा लो, कुछ खर्च कर दो, वही खर्चा इनकम में आके जुड़ जाएगा, फिर बचाओ, फिर खर्च करो, तो हमको इन्वेस्टमेंट से सिर्फ एक बार काम था। यहाँ भी हमने एक ही बार इन्वेस्ट किया है, बस 100 रुपये ही इन्वेस्ट किए हैं, बाकी तो क्या हो रहा है, सारा प्रोसेस अपने आप चलता जा रहा है। अब कैसे चल रहा है देखो, यहाँ पे समझो, हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, वो इनकम में कन्वर्ट हुआ, मतलब उससे इनकम बढ़ी हमारी। जैसे ही हमने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो इनिशियली इनकम भी हमारी 100 रुपये ही बढ़ी, ठीक है, यानी कि चेंज इन इनकम डेल्टा वाई। तो इनिशियली हमारी इनकम बढ़ी है सिर्फ 100 रुपये। अभी जो 100 रुपये हैं, पहले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं भूल गई बताना, यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं हमारा एमपीसी है 0.5। अभी एमपीसी 0.5 का मतलब क्या है ये ज़रूर समझ लो। एमपीसी 0.5 मतलब आधा, 0.5 क्या होता है, आधा, यानी कि जितनी भी इनकम बढ़ेगी उसका आधा हम कंज्यूम करेंगे, आधा हम सेव करेंगे। जैसे कि मान लो मेरी इनकम बढ़ी है 360 रुपीज़, ठीक है, ये क्या है डेल्टा वाई, और आपका एमपीसी क्या है 0.5 है। तो आपको पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा सी की जगह डेल्टा सी रखो, आप डेल्टा सी की जगह डेल्टा सी रखो, यहाँ पे 360 रखो, इज इक्वल्स टू 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 180 आ जाएगा डेल्टा सी। मतलब इनकम बढ़ी 360 और उसका आधा आप कंज्यूम कर रहे हो, बचा हुआ आधा क्या करोगे, फेंक तो नहीं दोगे, उसको सेव करोगे। तो 0.5 जब भी एमपीसी हो या फिर 0.5 एमपीएस भी हो, तो ये ज़रूर याद रखना, इसका मतलब होता है कि जितनी भी इनकम है उसका हम आधा पोर्शन खर्च कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, और आधा पोर्शन हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ भी जब एमपीसी 0.5 है और हमारी इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम जब अभी शुरू में 100 रुपये ही बढ़ी है, तो क्या होगा, इस 100 रुपये में से हम आधा कंज्यूम करेंगे, आधा खर्च सेव कर लेंगे, तो हमारा चेंज इन कंजम्पशन हो गया 50 और बचा हुआ 50 सेव कर लिया हमने, डन। अब क्या हुआ, ये जो 50 है ये कहाँ आके लग जाएगा, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था ये इनकम में ही तो ऐड हो रहा था, यानी कि जो 50 रुपये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं कर रही हूँ, तो मैं किसी को जब पे कर रही हूँ तो वो उसकी इनकम होगी, यानी कि इनकम में ऐड हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, हमारा चेंज इन इनकम 50 रुपये से बढ़ गया। अब जैसे ही चेंज इन इनकम 50 रुपये हुआ, पहले चेंज इन इनकम 100 था, तो 50 कंज्यूम करें, 50 सेव करें, अब हमारा चेंज इन इनकम क्या है 50, तो उसका आधा यानी कि 25 में कंज्यूम करूंगी, 25 सेव करूंगी, तो मैंने 25 कंज्यूम कर लिया, 25 सेव कर लिया, ये भी समझ आ गया। अब क्या है, ये जो 25 है फिर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आके मिल जाएगा इनकम में, ये फिर से आके मिल गया इनकम में, यानी कि अब इनकम हमारी जो डेल्टा वाई है, चेंज इन इनकम है, इंक्रीज इन इनकम, वो है 25। अब इस 25 का आधा यानी कि 12.5 कंज्यूम करूंगी, सेव करूंगी, फिर से हो गया। तो ये ऐसे देखो प्रोसेस चलता जा रहा है, फिर से 12.5 यहाँ ऐड हो गया, 12.5 का आधा 6.25 फिर आके लग जाएगा कहाँ पे, डेल्टा वाई में, फिर इसका आधा 3.12 ऐसे करके देखो ये सारी प्रोसेस चलती जा रही है। अब फिर लास्ट में 0.20 आया, 0.20 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो आके बन गया इनकम में, मतलब इनकम, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम जब वो बना तो उसका आधा 0.10 कंज्यूम करूंगी, सेव करूंगी। इससे क्या हुआ, हमारा देखो टोटल चेंज इन इनकम निकल के आ रहा है 200, ठीक है, और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या था, सिर्फ 100। तो आपको समझ आ रहा है हमारा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में तो चेंज आया था, हमने सिर्फ 100 रुपये का, सिर्फ 100 रुपये से ज़्यादा, मतलब 100 रुपये ज़्यादा बढ़ाया इन्वेस्टमेंट, पर हमारी जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई, वो हमारी 200 रुपये बढ़ गई। यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी आएगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि 200 अपॉन 100, यानी कि 2, ये आ गई के की वैल्यू। और इसी के की वैल्यू को हम अलग तरीके से भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, हमको पता है के इज इक्वल्स टू होता है 1/(1 - MPC). एमपीसी क्या है, हमें तो गिवन है 0.5, 1 - 0.5 यानी कि कितना हो गया,
वन माइनस पॉइंट फाइव मतलब पॉइंट फाइव ही होगा, एक में से आधा घटाओ तो आधा ही बचेगा, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे टू, यहाँ भी टू, मतलब के की वैल्यू टू ही आएगी। तो हमको ये समझ आया कि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था 100 रुपये से, तो 2 गुना ज़्यादा इनकम बढ़ गई, यानी कि 100 की जगह 200 रुपये। और इस तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये काम करता है। आई होप आपको पूरा ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये भी ज़रूर याद रखना, ये दिमाग में रखना, एक बार इन्वेस्टमेंट दिया तो फिर क्या हुआ, इनकम जो बढ़ी, अब वो बार बार क्या है, अपने हिसाब से बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। जैसे यहाँ पे हुआ, एक बार इन्वेस्टमेंट किया, बाकी तो जगह हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, अलग अलग राउंड्स में सिर्फ एक बार किया है, पर अब इनकम अपने आप बढ़ती जा रही है, वो बढ़ बढ़ के 200 हो गई है, और ऐसे आगे और चलती जाएगी। फिर आगे देखो, ये 0.10 है ना, 0.10 क्या होगा, फिर से इनकम में आ जाएगा यहाँ पे 0.10। मान लो आगे हो गया, अब 0.10 इनकम है, तो इसका आधा कितना हुआ, 0.05, ये हम कंज्यूम करेंगे, ये हम सेव करेंगे, फिर 0.05 इनकम मतलब इसमें चेंज हुआ, फिर ऐसे करके, मतलब ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी। और ऐसे ऐसे करके एक बार इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, हमारी इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है, और यही हमारा पूरा प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, जिसे हम आउटपुट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ना के, ये फॉरवर्ड एक्शन में तो काम कर ही रहा है, ये फॉरवर्ड एक्शन ही है। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, बैकवर्ड मतलब पीछे जाना। तो जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली इनकम भी इंक्रीज ही होगी, और यही पॉजिटिव आपका फॉरवर्ड एक्शन है। मान लो इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से डिक्रीज हुआ होता, पहले था 600, अब हो गया है 500, और इनकम जो आपका क्या है, इनकम जो है वो भी आपकी ऑब्वियसली कम ही होगी। पहले इनकम थी आपकी कितनी, 900, अब हो गई आपकी 700, राइट? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, या फिर इसे हटाओ, ये है आपका क्या कहते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। पहले था 600 और अब हो गया है 500, के की वैल्यू है हमारे पास 2, राइट? तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। बड़े में से छोटे को माइनस नहीं करना होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। 500 माइनस 600 यानी कि माइनस का 100, डेल्टा आई की वैल्यू, के क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन माइनस का कितना, 100, यानी कि वाई डेल्टा वाई में कितना चेंज आएगा, माइनस का 200, यानी कि जो इनकम है ना वो माइनस 200 गिर जाएगी। ये चीज़ समझनी है आपको, ठीक है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। इसी के साथ हमारा ये 8th चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है, और इसका अच्छा खासा रिवीजन भी आपका हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे उनकी भी हेल्प होगी ऑब्वियसली, और मेरी भी हेल्प होगी। एंड यस, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ भी है, तो आप इसी वीडियो के कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और आप या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और इसके अलावा, अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो subscribe it right now, and thanks for watching this video. Have a nice day.